हेलो दोस्तों, ब्लॉग एवं चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो बहुत दिन बाद मैं फिर हाजिर हो गया एक वीडियो लेके। तो आप लोगों को बहुत काम का चीज़ है। तो आज मैं एक सीलिंग फैन अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक सीलिंग फैन अनबॉक्सिंग, ये क्या अनबॉक्सिंग हुआ? लेकिन ये सब सीलिंग फैन जैसे नहीं है, ये थोड़ा अलग है। इसको BLDC फैन से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका खासियत क्या है, ये रिमोट कंट्रोल है। और सबसे बढ़िया खासियत ये है कि ये 28 वाट का फैन है। और आप सोच रहे हो 28 वाट का फैन कैसा होगा, ये चलेगा या नहीं? ये दूसरे फैन से 50% आपका बिल कम करेगा। ये ऐसा एक स्लिंग फैन है और ये 28 वाट का ही है। और जैसा आपका नॉर्मल फैन घूमता है वैसा ही घूमेगा। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैं इसको अमेज़न से बाय किया हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो या बाय कर सकते हो। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। यह है बिल। मैं इसको बाय किया हूँ 3610 रुपीस में। मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है, अमेज़न का पैकेजिंग बहुत अच्छा है। तो आप पैकेजिंग देख सकते हो अंदर। मैं फ्लिपकार्ट से भी एक फैन बाय किया वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन उसका पैकेजिंग इतना अच्छा नहीं था। लेकिन अमेज़न का पैकिंग मुझे पहले से ही बहुत अच्छा लगता है और मुझे मालूम था कि अमेज़न का पैकिंग बहुत अच्छे से ही आएगा। अभी देखो अंदर क्या क्या है। ये है फैन का ब्लेड। मुझे हाथ में पकड़ते ही मालूम पड़ रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होगा। अभी मालूम नहीं कैसा है, तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। यह देख सकते हो, यह मेरा फ़ैन का मॉडल है। यह है एटमबर्ग रेनेसस प्लस। ये नॉर्मल जो इसका और एक मॉडल है जो नॉर्मल है, उसका प्राइस भी थोड़ा कम में मिलेगा आपको। लेकिन ये इसमें एक एंटी डस्ट कोटिंग है, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए इसको भी बाहर निकलते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले इसका थोड़ा फैसिलिटी जान लेते हैं। इसका खासियत क्या है, इसका फैसिलिटी क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसमें आपको 3 इयर्स का वारंटी मिलता है, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग है, मतलब आपको करंट का बिल 50% कम में आएगा। यही फैन है जो इसमें 5 स्टार रेटिंग आता है। और आपको क्या है, इसमें और एक सिस्टम है एंटी डस्ट कोटिंग सिस्टम, मतलब एंटी डस्ट कोटिंग जो आपको डस्ट नहीं आएगा फैन में, ये बहुत अच्छा है। और इसमें और एक क्या फीचर है, आपको जो 140 वोल्टेज होगा वो उसमें भी जो हाई स्पीड में फैन घूमेगा उसमें भी वही स्पीड सेम स्पीड में घूमेगा। और इसमें आपको देख सकते हो रिमोट कंट्रोल है। और इसमें एक और एक खासियत की ये इसमें कोई रेगुलेटर नहीं लगता है, ये डायरेक्ट स्विच से कनेक्ट होता है। और रेगुलेटर सब आपको फीचर्स रिमोट में मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। और तो चलिए इसको खोलते हैं।
इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है देखो, और पैकेजिंग मुझे क्या बोलो, पैकेजिंग बहुत अच्छा होता है अमेजोन का, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ अच्छा ही है पैकेजिंग। तो मेन चीज़ है ये है फ़ैन, आप देख सकते हो कितना छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल भी है। तो सब सेट करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर करेगा आपका स्पीड कितना है, कितने नंबर पे चल रहा है, वो आपको एलईडी देख के समझ में आएगा। और यहाँ पे जो एलईडी है वो नाइट लैम्प के आपको काम आएगा। इसमें साइड में रखते इसके अंदर देखते हो कि क्या क्या है। इसके अंदर फैन का जो ऊपर का और नीचे का जो होता है वो वाला है। यहाँ पे एटमबर्ग कंपनी से एक कंग्रेचुलेशन लेटर है, देख सकते हो बहुत अच्छा लगा ये देख के। खोल के देखते तो इसमें आपको मैनुअल गार्ड मिल जाएगा इसके अंदर भी, और कुछ पेपर है इसके अंदर। ये है आपका एक वारंटी कार्ड, इसमें आपको 2 इयर्स का वारंटी मिलता है। और कंपनी बोल रहा है कि आप जब ये बाय करोगे तब उसके वेबसाइट में जब रजिस्टर करोगे तो आपको 2 इयर्स का वारंटी मिल जाएगा और 1 साल का वारंटी मिल जाएगा प्लस, तो आपको 3 इयर्स की वारंटी टोटल। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कंपनी की तरफ से तो यहाँ पे कंपनी का कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, तो आप कॉल करके कुछ पूछ सकते हो या अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। तो यहाँ पे भी देखो एक्सटेंडेड 1 ईयर वारंटी, तो आपको 3 साल का टोटल वारंटी मिलता है। और इसके अंदर क्या है देखो, पैकेजिंग के मामले में मुझे अमेज़न बहुत अच्छा लगा। और इसके अंदर देखते हो क्या है, इसके अंदर जो फैन का ऊपर का जो पार्ट होता है वो वाला है, तो आपको पता ही है क्या है। यह है आपका रिमोट, एकदम छोटा वाला क्यूट सा एकदम। यहाँ पे थोड़ा फीचर्स आपको बता देता हूँ, ये है पावर का, फैन का जो पावर है वो पावर का है। और ये है आपका स्पीड माइनस और स्पीड प्लस, ये है आपका बूस्ट मोड मतलब जो फुल स्पीड है वो मिलेगा। और ये टाइमर आप सेट कर सकते हो और स्लीप मोड से कर सकते हो। और यहाँ पे जो एलईडी है, अगर एलईडी बेस करोगे तो ये एलईडी आपको नाइट लैम्प का काम आएगा। और कंपनी ने आपको रिमोट के लिए बैटरी भी दे के रखा है देखो एवरेडी का। और ये है आपका जो फैन जिसमें आएगा वो स्टैंड। अभी देखते हैं फैन का ब्लेड का क्वालिटी, देखते हैं कैसा है। तो ये है उसका ब्लेड दोस्तों, इसका कलर भी देखो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि बस व्हाइट ही है लेकिन इसमें आपको सिल्वर थोड़ा छोटा छोटा सा जो होता है ना वो आपको देखने को मिलेगा। और फैन ब्लेड का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों चलिए आप, मैं पूरा सेट करके आप लोगों को दिखाता हूँ फैन कैसे चलता है। तो दोस्तों अभी सब पूरा कंप्लीट हो गया, उधर देख सकते हो फैन कैसे लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी बस बैटरी का रिमोट लगाना है, लगाने के बाद हम चेक करेंगे फैन कैसे घूमता है।
रिमोट एकदम छोटा सा है, ये कंप्लीट हो गया। और इसको आपको रात में भी दिख जाएगा कि रिमोट कहाँ पे है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी स्विच ऑन किया, अभी देख सकते हो ऊपर फर्स्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो रेगुलेटर का कोई काम नहीं है, मैंने डायरेक्ट कर दिया फैन, क्योंकि रेगुलेटर इसमें नहीं चाहिए, तो रेगुलेटर काम कर दिया। अभी देखते हैं रिमोट में कैसा काम करता है। मैंने ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया, अभी ऑन करता हूँ। ये देखो बस एलईडी को ऑन किया, तो रात को आपको अगर बस एलईडी चाहिए तो आपको एलईडी नाइट लैंप के तरह काम करेगा। तो अभी मैं फैन को फिर से चालू कर रहा हूँ। अभी देखो फैन शायद 5 नंबर पे चल रहा है, 5 नंबर या 4 नंबर, क्योंकि उधर आपको दिख जाएगा कितने नंबर पे चल रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ देखो कम हो रहा है, देखा। मैं जितना भी कम करूँगा उतना कम होता जाएगा। और इसका और एक खासियत है कि एक नंबर स्पीड में आपको बस 5 वाट करंट कंज्यूम करेगा, बस 5 वाट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों के लिए इस तरह वीडियो लाता रहूँगा।